इसमें आपको हैरी पॉटर की मैजिक वॉन्ड की स्टाइल का एंटीना अवेलेबल। सो वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ एटॉमिक्स गियर्स, एंड आज हम बात करने वाले हैं टाटा की ऑल न्यू सब कॉम्पैक्ट एसयूवी टाटा पंच। इट्स बीन अ वेरी बिग डिस्कशन वेदर इट शुड बी नेम्ड HBX विच वॉज टोल्ड अस ऑन द ऑटो एक्सपो फ्यू ईयर्स बैक, और इट शुड बी गिवन अ न्यू नेम। सो फाइनली टाटा रीच टू अ कंक्लूजन एंड नेम्ड इट द टाटा पंच। सो नाउ लेट्स चेक आउट दिस कार। बिफोर मूविंग फर्दर, स्पेशल थैंक्स टू गोला गणपति मोटर्स हल्द्वानी फॉर हेल्पिंग अस आउट इन मेकिंग दिस एपिसोड। इफ यू गेट एनी क्वेरीज रिलेटेड टू टाटा प्रोडक्ट और इफ यू वॉन्ट टू बाय और परचेज अ न्यू कार, यू कैन कॉन्टैक्ट देम और हॉप इन टू द शोरूम। ऑल कॉन्टैक्ट एंड लोकेशन डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिजाइनिंग ऑफ दिस कार। तो फ्रेंड्स, अगर बात शुरू करें तो इट होल्ड्स द टाटा सिग्नेचर ग्रिल डिजाइन। इट्स डिजाइन इज क्वाइट सिमिलर टू द टाटा हैरियर एंड द टाटा सफारी। मैं पर्सनली इसको एक क्वीन डिज़ाइन आइडियोलॉजी कहता हूँ बिकॉज इट फॉलोज द सिमिलर लाइनअप लाइक द हैरियर, बिकॉज जस्ट लाइक अ हनी बी क्वीन वो अपनी एक पूरी ब्रीड को प्रोड्यूस करती है। सिमिलरली टाटा हैरियर ने भी एक ऐसा माइलस्टोन प्रोड्यूस कर दिया है कि ऑल द अदर कार्स फॉलो इट्स सिमिलर लाइनअप। तो आप देख सकते हैं इसमें भी आपको टाटा हैरियर का काफ़ी ज़्यादा रिजेंबलेंस शो होगा विद स्प्लिट हेड लैम्प्स एंड DRLs। नाउ कमिंग टू द फ्रंट ऑफ दिस ग्रिल, तो यहाँ पे आपको एक ट्राई एरो डिज़ाइन का होल देखने को मिलेगा एंड इट इज़ फॉर द ब्लो ऑफ द हॉर्न। एंड बिलो डेट अगर लोअर ग्रिल्स की बात करें तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा वाइड स्पेस देखने को मिलेगी एंड इट लुक्स अ लिटिल बिट ऑड फ्रॉम द माई पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज यहाँ पे से आपको एक डायरेक्ट विजन शो हो जाता है अंदर के रेडिएटर एंड ऑल अदर थिंग्स का, एंड वो थोड़ा सा ऑड लगता है बिकॉज वो डिज़ाइन में आपके इनर पार्ट्स को शो करने लग जाता है। एट फ्रंट इट रिजेंबल्स क्वाइट अ लॉट लाइक द टाटा हैरियर with headlights and the DRLs, whereas at the rear it gets its own personal design with the tri-aero design LED tail lamps. And अगर हम इसकी pricing की बात करें तो इसका base price start होता है 5,49,000 rupees एक showroom हल्द्वानी at गोला गणपति मोटर, and for the top price it is priced at 9,39,000 एक showroom हल्द्वानी। and अगर other services की बात करें तो आपको इसमें company 3 free services एंड 2 ईयर्स और 75,000 किलोमीटर्स की फ्री वारंटी प्रोवाइड कराती है जिसमें से आपके जो भी पहले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर एक्सटीरियर फीचर्स। तो फ्रंट से अगर हम बात करें तो इसमें आपको LED DRLs अवेलेबल हैं ऑन द टॉप, एंड बिलो डैट आपको यहाँ पे LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स अवेलेबल हैं विद द फॉलो मी हेडलाइट्स, एंड एट द बेस यू गेट द हेलोजन फॉग लैम्प्स विद द कॉर्नरिंग फंक्शन। एट द साइड्स आपको यहाँ पे 16 इंच के अलॉय व्हील्स अवेलेबल हैं विद रेडियल ट्यूबलेस टायर्स, एंड अबव डैट आपको मस्कुलर व्हील आर्च देखने को मिलता है विच मेक्स इट अ क्वाइट पावरफुल डिजाइन। बिहाइंड द बोनेट यू ऑल्सो गेट द रेन सेंसिंग वाइपर्स, एंड फॉर द डोर्स यहाँ पे आपको 90 डिग्री वाइड ओपनिंग डोर्स मिलते हैं विद ऑटोमेटिक ORVMs एंड विद द डोर क्लैडिंग्स आउटसाइड। यू ऑल्सो गेट द रिक्वेस्ट सेंसर ऑन द ड्राइवर साइड डोर हैंडल। रूफ में आपको रूफ रेल्स अवेलेबल है, एंड रियर डोर की बात करें तो आपको इसका डोर हैंडल जस्ट बिहाइंड द रियर विंडो अवेलेबल है, एंड विच इज क्वाइट सिमिलर टू द वन यू गेट ऑन द न्यू स्विफ्ट। नाउ कमिंग टू द रियर डिजाइन, एज यू कैन सी ऑन द टॉप एट द रियर कि यहाँ पे आपको कोई भी शार्क फिन एंटीना अवेलेबल नहीं है। इसमें आपको हैरी पॉटर की मैजिक वॉन्ड की स्टाइल का एंटीना अवेलेबल है एट द फ्रंट। नाउ कमिंग टू द रियर विंडशील्ड, तो ऑन द टॉप यू गेट द रूफ टॉप वार्निंग लाइट, रियर डिफॉगर्स, रियर वाइपर वॉशर, एंड फॉर द लाइट्स यहाँ पे आपको ट्रायो बीम LED टेल लैम्प्स अवेलेबल हैं। यू ऑल्सो गेट द रियर पार्किंग कैमरा जस्ट बिलो द टाटा लोगो। यहाँ पे आपको पंच की बैजिंग देखने को मिलती है, एंड एट द बॉटम यू गेट द रियर पार्किंग सेंसर्स। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इनसाइड बूट स्पेस, तो हियर यू गेट अ क्वाइट अ बिग बूट स्पेस विद द स्नैक्स ट्रे ऑन। यहाँ पे आपको 319 लीटर्स की बूट स्पेस अवेलेबल है, एंड इफ यू रिमूव दिस स्नैक्स ट्रे तो आपको यहाँ पे 366 लीटर की बूट स्पेस अवेलेबल हो जाती है। अंडर द बूट स्पेस आपको स्पेयर टूल किट मिल जाती है, स्पेयर व्हील मिल जाता है जो कि आपके टॉप मॉडल के 16 इंच एलॉय व्हील से एक साइज छोटा है, एंड ये आपके लोअर मॉडल्स के साथ आने वाले टायर साइज के सिमिलर है बिकॉज ऑन दी अदर लोअर वेरियंट्स आपको यहाँ पे 15 इंच के व्हील्स ही अवेलेबल हैं। नंबर द इंजन स्पेक्स, तो इसमें आपको 1.2 लीटर का रेवट्रॉन पेट्रोल इंजन अवेलेबल है, एंड यू गेट ओनली सिंगल ऑप्शन इन दिस कार विद 1199 cc एंड 3 सिलेंडर इंजन। नो टर्बो ऑप्शन इज अवेलेबल, एंड इट जनरेट्स 86 PS ऑफ पावर एट 6000 RPM
and 113 Newton meter of torque at 3300 RPM. And if you want to increase the mileage of this car, for that इसमें आपको eco and city drive mode भी available है. For the transmission, आपको इसमें 5-speed manual and 5-speed automatic transmission available है. अदर स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो टाटा पंच में आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स अवेलेबल हैं विद रेडियल ट्यूबलेस टायर्स फॉर द ब्रेक्स. फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल हैं, वेयर एज एट द रियर यू गेट द ड्रम ब्रेक्स. एंड फॉर द सस्पेंशन, फ्रंट में आपको मैकफर्सन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग इंडिपेंडेंट सस्पेंशन अवेलेबल है. एंड फॉर द रियर यू गेट द सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट बीम विद कॉइल स्प्रिंग एंड शॉक एब्जॉर्बर्स. Talking about the dimensions, and it is 3827mm long, 1742mm wide and 1615mm in height. For the wheelbase, it is 2445mm in length, and for ground clearance, it holds 187mm of ground clearance. And for fuel tank, it holds 37 liter of fuel tank capacity. So now we are inside the new Tata Punch. Bagas ke interiors ki baat karein. तो ऑन द डैशबोर्ड आपको यहाँ पे 3-tone कलर फिनिश देखने को मिलती है, वन ऑफ विच इज द बॉडी कलर्ड एसी वेंट्स. तो थर्ड कलर आपका हर बॉडी कलर के साथ डिफरेंट होगा. वेरियस अगर मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे आपको सिमिलर प्लास्टिक मटेरियल ही अवेलेबल है ऑन द कंप्लीट डैशबोर्ड. वेरियस मटेरियल के टेक्सचर है, 3 different टेक्सचर्स देखने को मिलेंगे. फॉर द सीट अपहोल्स्ट्री ऑल्सो आपको यहाँ पे भी ट्रायो बीम डिजाइन देखने को मिलता है, एंड इट इज फॉलोड ऑल ओवर द कार फॉर द इंटीरियर एज वेल एज एट द एक्सटीरियर डिजाइन ऑल्सो विद हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट. एंड ऑल्सो आपको इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं फॉर ऑल द 4 सीट्स. नाउ कमिंग टू द स्टेरिंग व्हील, तो आपको यहाँ पे डी कट स्टेरिंग व्हील देखने को मिलता है विद स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल्स. एंड फॉर द स्टेरिंग इट इज ऑल्सो अ टिल्ट स्टेरिंग बट नॉट द टेलीस्कोपिक वन. सो आई थिंक यू माइट मिस दैट थिंग ऑन दिस. बिहाइंड द स्टेरिंग व्हील आपको यहाँ पे 7 inch की कलर TFT डिस्प्ले मिलती है विद एन एनालॉग स्पीडोमीटर. एट द सेंटर यू गेट दिस 7 inch टच स्क्रीन डिस्प्ले फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम विद 4 speakers एंड 2 tweeters फॉर एंजॉइंग योर म्यूजिक. उसके नीचे आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं. यू गेट द मैनुअल गियर नॉब ऑन दिस मॉडल. एंड बिलो द डैशबोर्ड यू गेट द यूटिलिटी स्पेस फॉर द मोबाइल और अदर एसेसरीज. फॉर द पॉइंट आपको इस कार में 25 यूटिलिटी स्पेसेस अवेलेबल हैं ऑल ओवर इनसाइड द कार. ऑन द पैसेंजर साइड आपको यहाँ पे कूल्ड ग्लव बॉक्स का कंपार्टमेंट अवेलेबल है. फॉर अदर कन्वीनियंस आपको इसमें रियर आर्म रेस्ट, फ्लैट फ्लोर एट द रियर विद वाइड ओपनिंग डोर्स विद पुश स्टार्ट स्टॉप ऑटो स्टॉप स्टार्ट फंक्शन क्रूज कंट्रोल एंड 2 different ड्राइविंग मोड्स अवेलेबल है. देर आर फ्यू थिंग्स जो कि आप इस कार में शायद मिस करें, तो वन ऑफ दोज इज द सेंटर आर्म रेस्ट. तो आपको यहाँ पे आर्म रेस्ट नहीं मिलता है. इफ यू हैव ड्रिवन अदर कार्स तो आपको यहाँ पे सेंटर आर्म रेस्ट बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं. अनदर थिंग इज द वाइड डोर ओपनिंग. अगर आपका डोर 90 degree पे ओपन है तो आपकी इसमें रीच बहुत बढ़ जाती है. सो एवरी टाइम यू हैव टू गो टू फार टू पुल इट बैक. आफ्टर दैट टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग आपको इसमें अवेलेबल नहीं है. एंड द सनरूफ, वी होप सो कि शायद इसमें आपको इन फ्यूचर सनरूफ देखने को मिले. सो दैट थिंग इज अ लिटिल बिट मिसिंग. सो वैसे भी ये चीज टाटा में काफी ज्यादा होती है कि सनरूफ मोस्टली टाटा अपने सेकंड जनरेशन मॉडल्स में ही शो करता है. एंड द अनदर थिंग इज द रियर हेडरूम. एज यू कैन सी तो फ्रंट में तो आपको इनफ हेडरूम है. आई एम ऑलमोस्ट 6 feet, तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज क्वाइट इनफ फॉर एन एवरेज पर्सन. तो ये काफी बढ़िया है विद दिस मच हेडरूम एट द फ्रंट. बट एट द रियर एज यू कैन सी तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत हेडरूम की स्पेस आपको लैक कर सकते हैं. अगर आपका एक सडन से बड़ा बम्प आ जाता है रास्ते में तो आई थिंक आपका हेड रूफ को जरूर टच कर जाएगा. वेयरएज फॉर द अदर स्पेस एज यू कैन सी तो यहाँ पे काफ़ी इनफ लेग स्पेस है. अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी बढ़िया है. फ्रंट सीट इज एडजस्टेबल अकॉर्डिंग टू मी. आई एम ऑलमोस्ट 6 feet, तो उसके बाद भी मेरे को देख यू कैन सी तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी इनफ लेग रूम अवेलेबल है. If I want to stretch my leg, तो मैं वो भी easily कर सकता हूँ. Window size भी आपका काफ़ी बढ़िया है, तो काफ़ी बड़ी space देखने को मिल जाती है यहाँ पे बाहर को. तो आप इसमें rear में काफ़ी comfortably जा सकते हैं. Also आपको यहाँ पे flat floor देखने को मिलता है, कोई hump नहीं है, तो third passenger भी आपके साथ easily यहाँ पे बैठ सकता है. Whereas उसको यहाँ पे headrest का comfort available नहीं होगा. Safety features, Tata Punch is built over fortified body structure from the outside with dual airbags on the inside, with reverse parking camera and sensors, ABS and EBD, with brake sway control and ISOFIX child mounts for the child safety. So now let's talk about the conclusion of this car. Talking about its rival,
तो इसके अगेंस्ट आपको KUV 100 मारुति सुजुकी इग्निस देखने को मिलेंगे। कंपेयर टू द KUV ये काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि आपको इसमें एक काफ़ी ज़्यादा बेटर बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। ऑल्सो NCAP क्रैश टेस्ट में भी इसको काफ़ी बढ़िया रेटिंग्स अवेलेबल हैं। टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस, तो ये कार एक पावर ड्रिवन कार नहीं है, इट्स अ फैमिली कार, डेट्स वाई आपको इसमें ड्राइव मोड में पावर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सो ये उन फैमिलीज को ज़्यादा टारगेट में रखते हुए बनाया गया है जो कि मोस्टली सिटी ड्राइव एंड दे आर टूवर्ड्स द माइलेज, नॉट जस्ट फॉर द परफॉर्मेंस। एंड अगर इग्निस की बात करें, माइक्रो SUV सेगमेंट है एंड उसको आप एक नॉर्मल हैचबैक में भी काउंट कर सकते हैं। सो इग्निस एक हैचबैक के उसमें आ जाती है एंड दिस वन कम्स अंडर द सब कॉम्पैक्ट SUV। सो दिस वन आप इसको नॉर्मल हैचबैक पर्पस से भी यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल्सो फॉर द स्मॉल साइज SUV पर्पस। एंड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड क्लियरेंस इट हैज़, तो उसके साथ एक काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स को इजीली कवर कर लेगी, तो उसके साथ आपको इंडियन स्ट्रीट में इसको ड्राइव करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। फॉर द माइलेज, कोई एग्जैक्ट माइलेज इसका अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है, बट ड्यू टू इट्स 1.2 लीटर 3-सिलेंडर इंजन आपको इसमें ईजिली 17-22 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ईजिली कवर करने को देखने को मिल सकता है। ओके, व्हाट द प्राइस, तो प्राइसिंग के हिसाब से इसका टॉप मोस्ट जो वेरिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली प्राइस्ड है विद ऑन रोड, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस में अगर बात करें तो वो ऑलमोस्ट 11 लाख टच कर देता है। सो एट दैट प्राइस रेंज आपको काफ़ी बेटर ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। आप क्रेटा का बेस वेरिएंट भी ऑप्ट कर सकते हैं, अगर देखा जाए सेल्टॉस आपके पास ऑप्शन में है। एंड ऑल्सो दैट प्राइस रेंज अगर आपको एक बढ़िया सिमिलर साइज़ की कार भी देखनी है तो नेक्सॉन इज़ अ मच बेटर ऑप्शन, क्योंकि आपको नॉट द टॉप वेरिएंट बट द मिडिल वेरिएंट आर ऑल्सो क्वाइट गुड एंड द वैल्यू फॉर मनी, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर द पंच, सो आपके लिए इसका मिडिल ऑर्डर काफ़ी बढ़िया रहेगा। गेट द अलॉय व्हील्स एंड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, बट वहाँ पे आपको हेलोजन हेडलैम्प्स विद द व्हील कैप कवर के साथ स्टील व्हील्स अवेलेबल रहेंगे, तो उसमें आपके डिज़ाइन में कुछ ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। इट विल नॉट बी अ कम्प्लीट बेस मॉडल बट अ क्वाइट अफोर्डेबल एंड द बेटर लुकिंग मॉडल। एंड डेट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस एपिसोड विद न्यू टाटा पंच। दिस इज अमित सिंह साइनिंग ऑफ एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप वॉचिंग एटॉमिक स्कियर्स।